यू लाइक इंडिया यार? यस। इनको भाई इंडिया बड़ा पसंद आया, कह रही है कि मेरे को वापस जाना है इंडिया। सुपरमार्केट के भी आ गया ना एक बंदा, बंदूक लेके खड़ा हुआ था। मेरी लाइफ की सबसे खतरनाक कंट्री होगी ये। यहाँ का कुछ अलग ही डेंजर है भाई, यहाँ पे बसों में बंदे आके लूट के ले जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये भाई लियोन का एक स्क्वायर है जिसके ऊपर इन्होंने सिग्निफाई कर रखा है कि किस तरीके से अमेरिका इनकी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है। CIA का नाम खुला एक ग्रेफिटी में लिखा हुआ है। यहाँ पे भी दिखा रखा है रेवोल्यूशन, जो यहाँ पे एक रेवोल्यूशन हुआ था 23 जुलाई 1959, विवियन लोस एस्तोंडियास गेस्ता हेरो का। तो भाई USA और निकारागुआ के जो रिलेशन है वो एकदम ख़राब हैं, और निकारागुआ और वेनेजुएला, निकारागुआ और रशिया, और निकारागुआ और क्यूबा, इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो भाइयों और बहनों, फिर से आपके एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज भाई मेरा आखिरी दिन है निकारागुआ में, अभी हूं मैं लियोन में, और यहां से अब मैं ट्रैवल कर रहा हूं होंडुरस बॉर्डर की तरफ। लेट्स गो। या यू वांट टू गो टू द बार? टू मच। हाँ यस यस। अभी भाई मैं इधर मैग्नेट ख़रीदने आ गया था, और ये मेरे साथ एक चाइनीज़ ट्रैवलर हैं, ये जा रही हैं यहाँ से एल सेल्वाडोर। 100 रुपये की मैंने मैग्नेट ली हैं, 3 यहाँ पे सस्ती मिल गई। इवन तो वहाँ पे कोस्टा रिका में भी इतनी कोई महंगे नहीं थे यार। मैं पैनामा से ख़रीदनी भूल गया, बस ये पंगा हो गया। ये है भाई लियोन शहर, जिसको मैं आज अलविदा कर दूँगा। ओके, मुझे ग्रेसियस, एडियस। भाई अब यहाँ से हमें जाना है बस स्टैंड, क्योंकि अभी हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं। भाई मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला, जो निकारागुआ, एक बार ये पीछे ये देखिए मैप देखिए, नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो निकारागुआ एल सेल्वाडोर के साथ वैसे बॉर्डर शेयर नहीं करता है, लेकिन वाटर बॉर्डर शेयर करता है। तो आप निकारागुआ से फेरी पकड़ के एल सेल्वाडोर डायरेक्टली भी जा सकते हो बिना होंडुरस गए। तो ये जो साथ में ट्रैवलर हैं ये वही कर रही हैं। अच्छा, ये भरी पड़ी हैं क्या? जो अपनी चीनी ट्रैवलर है वो यहीं से वहाँ जा रही है, क्योंकि होंडुरस के लिए इनको वीज़ा लेना पड़ता है, बड़े पंगे हैं। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ होंडुरस। तो अगर आपके पास होंडुरस जाने का मन नहीं है, क्योंकि होंडुरस तो यार सेफ कंट्री नहीं है सच में, यहाँ पे आने वाले जितने भी ट्रैवलर बताए ना, उन सब ने बताया कि उनके साथ कुछ ना कुछ कांड हो रखे हैं। मेरे को भी अभी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं वहाँ जाने के बाद ज़्यादा ही कांड ना हो जाए, क्योंकि बैग तो मेरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक से ही भरा हुआ है, देखते हैं आप। लेकिन मेरे को जाना तो है ही यार, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से होंडुरस, और ये जा रही है यहाँ से एल सेल्वाडोर। एक शहर हम दोनों साथ ही जाने वाले हैं, उसके बाद इनका रास्ता अलग हो जाएगा और मेरा रास्ता अलग हो जाएगा। What happened? You finding the taxi? You funny, yeah. Let's go there. We can find on the square. Where? This side. Let's go. Yeah. भाई अभी तक हमने ट्राई नहीं की थी, आज ट्राई कर ही लेते हैं। Hola amigo. Terminal de buses. Dos. ¿Cuánto? 100 pesos. ¿Ah? 100. 80? Sí. How much? 80. Okay. 40, 40 for both. Okay. Okay. Yeah. First you put. Yeah. How you turn? amigo, nombre? Nombre? Triciclo? Sí. Okay. What's you say? Triciclo. तो भाई इस त्रिसिक्लो के अंदर हम बैठ चुके हैं। दिस इज योर फर्स्ट टाइम? या। व्हाई यू हैवंट ट्राइड दिस वन बिफोर? थैंक यू माय फ्रेंड। या। बट व्हाई यू हैवंट ट्राइड? यस। यू हैव दिस इन चाइना? नो। व्हाई? चाइना नॉट सी। दिस टू मच। नो। आई डिडंट सी। हां। मे बी इन स्मॉल टाउन्स? स्मॉल। बट यू आर फ्रॉम स्मॉल टाउन और यू आर फ्रॉम चंगदू? या। बट वी डोंट लाइक द बाइसिकल विद द पर्सन। हां। All everything electricity. Yeah, yeah. अगर एक हिसाब से देखा जाए ना तो ये वाली रिक्शा अपने इंडिया वाली रिक्शा से ज्यादा सही लग रही है मेरे को। इसमें क्या आपका व्यू ब्लॉक नहीं हो रहा, सब कुछ आपको दिख रहा है, ड्राइवर भाई साहब या फिर चलाने वाले भाई साहब पीछे बैठे हैं। Have you tried rickshaw in India, in Kolkata? Yeah, no, I tried the local bus. But no rickshaw? No. Why? Maybe before I don't know, I can't see.
You see a lot of this thing in rickshaw in India, yes? Poor. I mean, India, I'm poor. I can't do that. That's why I work in India. Ah. No joke. But you like India, yeah? Yes. Wanna come back? Give me visa, okay? Okay, I will give you a visa. You go to China, you go to India and tell the government. Okay, I will tell the government that please make a concession for my friend. Yeah, so almost too much Chinese people. Many Chinese people wants to come to India, yes? Yes, sure. I'm sure. इनको भाई इंडिया बड़ा पसंद आया, देख रही हैं कि मेरे को वापस जाना है इंडिया. You came to India in 2017. 2017, yeah. Oh man. But this time where you? 7 years ago. 7 years ago. But this time where you will go? If you got visa, where you will go? Oh, Kashmir. Mumbai. Goa. South area. Where? South area. South. Yeah. Okay, South India. Nice. Nice. Bushi. India friend, come to China also, okay? Yeah, yeah. Welcome to China. Shisha, Chongo Arin. We have to pay money or gracias is enough? I have money. No. I'm asking. Gracias is enough, yeah. Oh, gracias. Okay, mucha gracias. ये भाई आ चुके हैं हम बस स्टैंड के ऊपर और ये वाली बस लेके हम उधर जाने वाले हैं. मेरे हिसाब से टूरिस्टों को थोड़ा ज़्यादा चार्ज तो करेंगे. लियोन मनागुआ. विच वन? दिस वन. सी ओके. कौन तो? ¿Cuánto? China Galpa. Treinta, treinta, chichigalpa. Treinta. Uno, treinta. Uno. Okay. Treinta, thirty. Two. No, gol. Bolsa arriba. ये बस मिल गई है भाई हमें और इस बस के अंदर हमें 30 कोरमो दोस्त पे करके जाना पड़ेगा, लगभग 60 रुपये. आई थिंक थोड़े मेरे सबसे बाकी बंदों से ज़्यादा चार्ज करें, लेकिन चलता है भाई इतना, अब क्या करें. और यहाँ पे नॉर्मली बसों के अंदर है ना पीछे से एंट्री होती है. मुचा ग्रेसियस. ओह थैंक यू फॉर सेविंग. या टू पार्टनर भाई. इस बंदी ने ना मेरे लिए सीट बचा ली, वरना एक और एंटी आ गई थी वो बैठने के लिए, पर ठीक है बच के. एंटी नहीं, दीदी आ गई थी. क्या बोल रहा हूँ यार मैं अभी. चीना इंडिया. हाँ मी गुस्तो निकारागुआ. या मी गुस्तो निकारागुआ. भाई इन बसेस को ना चिकन बसेस बोला जाता है. वैसे रियल में ये वाली चिकन बस नहीं है. चिकन बस क्या होता है कि जो बस का इंजन है ना वो एकदम आगे अलग से निकला हुआ होता है, लेकिन ये वाली बस भी उन्हीं कैटेगरीज में आती हैं. और क्या है कि ये बसेस यूएसए से आती हैं सेकेंड हैंड. यूएसए के अंदर ये बसेस स्कूल के अंदर यूज़ होती हैं, स्कूल बसेज होती हैं ना यूएसए की. और जैसे ही यूएसए उनको यूज़ करना बंद कर देता है, वो फिर उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं इन कंट्रीज़ के अंदर. सेंट्रल अमेरिका के अंदर आपको ये वाली बसेस हर जगह मिल जाएंगी, और ख़ास करके ग्वाटेमाला और होंडुरस में तो हालत और ज़्यादा ख़राब होगी. तो आई थिंक मुझे और ज़्यादा ये बसेस देखने को मिलेंगे. बस भाई आगे लगभग भर चुकी है और पीछे भाई अच्छे तरीके से यहाँ पे सामान लोड कर दिया है. अभी इस बस के अंदर एक घंटे का सफ़र करने वाला हूँ मैं. हम दोनों सिटी जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी, उस सिटी का नाम है चिनंदेगा जा रहे हैं भाई अभी हम यहाँ से. और वहाँ से फिर ये चले जाएंगी पोर्ट की तरफ, क्योंकि इनको कल एल सल्वाडोर की फेरी लेनी है. और मैं भाई होंडुरस के लिए एक और बस या फिर लिफ्ट लेंगा. अभी श्योर नहीं हूँ मैं क्या करने वाला हूँ. अभी मेरे को पता नहीं, आजकल मैं इंडिया में बसेस के अंदर ट्रैवल किया नहीं हूँ, खास करके नॉर्थ इंडिया में. तो पहले ना वो बस में वो मार्केटिंग वाले बंदे आते थे, कुछ ना कुछ बेच के जाते थे. कभी बेर वाला आ गया, कभी कोई बुक्स वाला आ गया, कभी कुछ वाला आ गया. तो सेम सीन यहाँ पे है अभी. लगभग हर बसेस में कोई ना कोई बंदा कोई ना कोई स्कीम बेच रहा होता है. और वो बंदा अभी है ना उधर आगे सारी स्कीम अपनी बता रहा है स्पेनिश में. एवरी बस हैज दैट वन गाय हु स्पीक्स अ लॉट एंड सेल्स थिंग्स. In all the time it used to happen in China before? The train, maybe 10 years ago in China.
nos veo más debajo de las sábanas nos encontraría. Suena el ritmo de ram pam pam. Vamos por una. We are about to reach. China. China, they're rich. Yeah, China. China, very, very rich. China. Poor. Poor. Very poor. China people is a rich man. I'm just poor man. That's why you don't live in China. Yeah. 22 बंदी ने ना खुद जितना बैग ले रखा है, कितना भारी बैग है क्या ही बताऊं मैं आपको. भाई अभी हम पहुंच चुके हैं इस सिटी के अंदर और यहां से अब दोनों हम अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी एक कॉफी शॉप में जा रहे हैं. दोनों की जो बस है ना यहाँ से अलग अलग जाने वाली है. यू गोइंग टू पोतेशी? और मैं जा रहा हूँ गुआसुले. गुआसुले बॉर्डर है बिटवीन होंडुरस एंड निकारागुआ. आज ही क्रॉस कर जाऊँगा यार, मेरा मन नहीं है बोर रुकने का. पूमा पूमा मनागुआ. बाय बाय बाय. इन ग्वाटेमाला और एल साल्वाडोर. ओके बाय बाय बाय. टेक केयर यू टू. बाय भाई. जो अपनी चाइनीज ट्रैवलर थी वो तो निकल गई अब अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और अब मैं होंडुरस और निकारागुआ के बॉर्डर की तरफ निकल रहा हूँ. आज मेरे को लग तो नहीं रहा कि मैं बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए हैं, लेकिन आई थिंक मैं जो बॉर्डर टाउन है उधर रुक जाऊँगा रात को. रात को यार मैं होंडुरस के अंदर एंट्री नहीं लेना चाहता, थोड़ा सीन ऊपर नीचे हो सकता है वहाँ पर, तो बेफालतू में खतरे क्यों ही मोल लेने हैं. यहाँ पर मैं बात करूँगा बॉर्डर के लिए कौन से जा रहे होंगे. Hola amigo. Guasule autobús. Guasule. Montado en dos strike, quiero volar a Derek White. Guasule. Guasule. Algo estable. Haciendo tremendo control de derecho. Autobús. Axel Zapata. 200 metros directo. Balanceando, saque el botículo, suelta ya la goma, rápido. A 200 metros. Batea los bancos. Sí, 200 metros. Listo directo. Zapata y suelta ya la goma, le tira mete en línea a la izquierda, segunda base, buena jugada. Guasule. Ok, sí, muchas gracias. 200 मीटर, 200 काउंटिंग भी धीरे धीरे आने लग गई है मेरे को स्पेनिश में. चिनन देगा मनागुआ, ये है भाई बस. ये आगे थोड़ी लग्जरी टाइप वाली बस लग रही है. टैक्सी इंटरलॉक चियागा गल्पा. अरे ये जा रही है ना ग्वासेले. ग्वासेले फ्रंटेरा भाई. बस मिल गई है मेरे को गुआसुले की, और आई थिंक 70-80 किलोमीटर है यहाँ से. कितना टाइम दिखा रहा है एक मिनट में देख लेते हैं. गर्मी बहुत है यार. 76 किलोमीटर है. 76 किलोमीटर के लिए गूगल दिखा रहा है 1.5 घंटा, और अब देखते हैं बस कितने बजे निकलेगी. 3 बज चुके हैं ऑलरेडी. हाँ 3 बज चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ 2 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में, क्योंकि बस है भाई स्लो स्लो चल के जाएगी. तो 5 बजे तक पहुँचूँगा. अगर मान लो कि मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ तो मैं क्रॉस कर लूँगा, अगर ज़्यादा लेट हो गया फिर मैं क्रॉस नहीं करूँगा. कि पंगा क्या है कि फिर उस साइड वाला अगर इमिग्रेशन ऑफिस बंद हो गया ना, फिर मेरे को वहीं पे सोना होना पड़ेगा, और वो थोड़ा पंगे वाला सीन हो सकता है. बस इसका सीन वही अपने जैसे ही. ये दीदी आ रखी है यहाँ पे नारियल पानी बेचने. भाई यहाँ बस के अंदर टीवी लगा हुआ, टीवी के अंदर बेसबॉल का मैच चल रहा है. सरप्राइजिंगली निकारागुआ के अंदर बेसबॉल ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल. आई थिंक यहाँ पे लोग ज़्यादा बेसबॉल खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं. ये चली गई भाई बस. भाई 5:30 हो चुके हैं शाम के, अंधेरा भी होने वाला है, और ये है लास्ट टाउन. इसके आगे बॉर्डर ही पड़ता है. बॉर्डर यहाँ से 3-4 किलोमीटर है शायद. एक हॉस्टल तो कहाँ है, वो एक होटल है, उसका नाम लिखा है हॉस्टल सांता क्रूज. उधर जा रहा हूँ मैं. ये गूगल पे देखा था मैंने, गूगल मैप्स पे. booking.com पे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे लियोन की तरह ही वो ट्रिसिक्लो है जो वो अपने रिक्शा नहीं होती जो सुबह सुबह लेके हम आए थे बस स्टैंड तक. अरे घोड़े पे काउबॉयज. होला
अरे काम कर रहा है नहीं। Hola, ¿cómo estás? Papá, mamá. Bueno. Hola, bien, ¿eh? Bien, ¿usted? ¿Un día es hotel, hostel? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto? Habitación con aire acondicionado. ¿Te cuesta? Ah, no, ni aire acondicionado, no. ¿Equivale a...? Uno, solo. Sí. Ah. Una habitación con aire acondicionado te cuesta $30, que equivale a 1,080 córdobas. Sí. Una habitación con aire acondicionado te cuesta $30, que equivale a 1,080 córdobas. No aire acondicionado. ¿Qué quieres tú? I want a normal room. No air condition. ¿Cuánto? $20. तो भाई इन अंकल जी के पास मुझे रूम मिला है, इनके पास उन्होंने बोला कि एयर कंडीशन वाला रूम चाहिए। कैसा चाहिए? मैं एयर कंडीशन नहीं चाहिए, मेरे को आप नॉर्मल रूम दे दो। तो नॉर्मल रूम के इन्होंने मुझसे चार्ज किए हैं, पहले तो $20 बोल रहे थे। मैंने बोला अंकल जी देखो ना क्या $20 लोगे, सुबह जल्दी निकल जाऊँगा मैं। तो अंकल जी से फिर मैंने बार्गेनिंग कर ली। कई लोग बोलते हैं भाई ऐसे क्यों करते हो, कह रहा हो भाई क्या दिक्कत है, अगर पॉसिबल है तो क्यों फालतू पैसे देने। अंकल जी मान गए थे $15 में, मैंने अंकल जी को $15 दे दिए, 1200 रुपये के आसपास होते हैं। मुझे रूम मिला एक रात के लिए, कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो ये है भाई, और इस टाउन का नाम है सोमोतिलो, और दिस इज़ द लास्ट टाउन ऑन द बॉर्डर बिटवीन निकारागुआ एंड होंडुरस। अब यहाँ से कल सुबह जो बॉर्डर वाली टाउन है वो है गुआसोलेस, और मुझे फिर उधर जाना है। यार 5:30 ही हो गए थे, निकारागुआ में ना लाइन बहुत लंबी लगी रहती है, बॉर्डर क्रॉस करते करते और लेट हो जाता। और होंडुरस साइड है ना यार, निकारागुआ बहुत सेफ है इस मामले, होंडुरस साइड है ना चीज़ें ख़राब बहुत ज़्यादा है। मैं रात को एंट्री नहीं लेना चाहता होंडुरस में, बेफालतू में यार प्रॉब्लम क्यों ही मोल लेनी। भाई हर बंदे ने मेरे को वॉर्न किया, अभी उस कल परसों जब मैं उधर वोल्केनो पे गया था ना, तो बंदे कह रहे थे भाई बच के रहना, होंडुरस में चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक है, खास करके उनकी जो कैपिटल है तेगुशियालगपा, तो वहाँ तो और भी चीज़ें ख़राब हैं। तो मैं ठीक है भाई बच के ही रहूँगा। इवन ये जो चाइनीज़ ट्रैवलर जिसके हाथ में यहाँ तक आया था वो भी कह रहे थे कि थोड़ा सेफ भी सेफ, मैं ठीक है चिंता मत करो कुछ नहीं होगा यार, ऐसे कोई जगह में जाने वाला नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी डर लगेगा तो चौकन्ना रहेंगे यार। बात ये अब तक जितनी भी डेंजरस कंट्री में गया था ना, अफगानिस्तान और वो सब, वहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का डेंजर था, लेकिन यहाँ पर है ना यहाँ का कुछ अलग ही डेंजर है भाई। यहाँ पर बसों में बंदे आके लूट के ले जाते हैं सच में, तो ये वाला सीन होंडुरस में है, मेरे को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाय बाय। ये छोटू के साथ खेलने लग गया था मैं, यही है भाई त्रिसिक्लो। सुबह मैं इसी के अंदर है ना घूम रहा था, यहाँ पे मैंने पूछा कार्ड वार्ड एक्सेप्ट करते हो क्या, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, कैश थोड़ा ही बचा है यार, कल सुबह खाना भी खाना है और बॉर्डर तक तो मैं लिफ्ट लेके चला जाऊँगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। पर पंगा क्या है कि बॉर्डर के ऊपर है ना शायद निकारागुआ एग्जिट करते टाइम कुछ ना कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, मैंने उसके ऊपर रिसर्च तो की नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा अभी नवंकुर या परमवीर की वीडियो से, या उन दोनों से मैं बात करूंगा कि उनका कैसा सीन था एग्जिट के टाइम पर। अभी एक छोटी सी दुकान पे आ गया हूँ, यहाँ पे कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं। इस शहर में ना कुछ ज़्यादा करने को तो है नहीं यार, एक मन कर भी रहा था निकल जाऊँ, लेकिन यार फिर पंगे हैं, बेफालतू में पंगे मोल नहीं लेने चाहिए। वैसे ही वहाँ पे होंडुरस में सीन कुछ अलग ही है, प्रॉब्लम वैसे ही मुझे वहाँ पे अच्छी खासी होने वाली है, तो बेफालतू में आज रात को ही जाके वहाँ पे ना मुझे होटल मिले ढंग से, अगर होटल मिल भी रहा है तो यूँ ही बेवजह मुझे कम से कम $30-40 पे करने पड़ जाएंगे। मैं ठीक है यहीं पर रुक जाता हूँ। इनके हॉर्न ऐसे पाद टाइप है ना, पापा 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 पापा, लेकिन भाई इनके अंदर ना म्यूजिक सिस्टम ऐसा बना के रखते हैं ना कि क्या ही बताऊँ आपको। ये देखो शाबाश, और बजा बेटा तो एक बार और। ये देखिए भाई ये सामने देखिए, एक और सुपर तिएंदा चीना, ये एक और चाइना का स्टोर है ये सामने जो भाई। यहाँ पे काफ़ी चाइनीज़ अपना काम कर रहे हैं, चाइनीज़ को मैंने पनामा में भी देखा, चाइनीज़ को मैंने कोस्टारिका में भी, और इधर निकारागुआ में भी। और यार सेफ्टी के मामले में एक बात देखो, कंट्री को बेफालतू में बदनाम नहीं करना चाहता, इवन दो एंट्री वेंट्री करने में नखरे करते हैं, मेरे को तो एंट्री में भी दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन सेफ्टी के मामले में ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। निकारागुआ बड़ा सही है और सस्ता देश है, प्यारा देश है, और इनके पास चीज़ें भी काफ़ी हैं। अगर आप मान लो वोल्केनोज में इंटरेस्टेड हो तो इनके पास अच्छे खासे वोल्केनोज हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और ज़्यादा महंगी कंट्री भी नहीं है ये। सेफ्टी का देखो यार मैं तो ये नहीं कह सकता कि एकदम ही सब बढ़िया है, सब बढ़िया तो सेंट्रल अमेरिका में आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे ना तो आपके एक्सपीरियंस अच्छे होंगे, ख़राब नहीं होंगे। ओके बाय बाय।
यहाँ पे कॉफ़ी पी रहा था, उनको बाय बाय बोला, मैंने एक कप तोड़ दिया था इनका गलती से, एक वीडियो देख रहा था और वो रखते टाइम ध्यान दिया नहीं, वो सीधा ही नीचे गिर गया फटा के देने से। ऐसे अंधेरे में एंट्री होती है यार मेरी होंडुरस में, बेफालतू में यार, मतलब कि होंडुरस में एक दो दिन रह लूँगा ना फिर तो मेरे को माहौल समझ आ जाएगा। अभी तक मेरे सेंट्रल अमेरिका के एक्सपीरियंस सारे बढ़िया चल रहे हैं, तो बेफालतू में उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए कभी भी। ये भाई रात का माहौल है, मेरे को थोड़ा अब अजीब सा लग रहा है, पता नहीं ऐसा तो कोई पंगा तो नहीं है, लेकिन इक्के दुक्के बंदे हैं ना मेरी तरफ ज़्यादा ही देख रहे थे, और वो बाइक वाइक रोक रख के, तो फिर अभी मैं होटल में चला ही जाता हूँ, ज़्यादा दूर तो नहीं है होटल। बेफालतू में यार एक्सपीरियंस ख़राब नहीं कर रहे हैं, अब कोई भी बाइक वाला मेरे पास आ रहा है ना तो मैं चौकन्ना हो जा रहा हूँ। चले ही जाते यार अंधेरे में, क्या ही करूँगा, खाना होना, मेरे को खाना नहीं है, भूख लगी नहीं है मेरे को, क्योंकि खाना मैंने ठीक ठाक खा लिया था उधर, वो जो चीनी ट्रैवलर थे ना उसके साथ हम दोनों ने खाना वहीं पे खा लिया था। आप निकारागुआ को एकदम ऐसे भी मत समझना कि बहुत ही ज़्यादा सेफ कंट्री है, सुपरमार्केट के भी आगे है ना एक बंदा बंदूक लेके खड़ा हुआ था, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेफ है, अभी तक मेरे को कोई ऐसे पंगे नहीं हुए थे। ये भाई वीनस दिखने लग गया उधर, तारा आ गया, सनसेट तो हो चुकी है पूरी, अब रूम में ही चलते हैं, कुछ बाहर है तो नहीं भाई। तो भाई ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी अभी प्रेजेंट लोकेशन किधर है, ये है सोमोतिलो, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, और ये है गुआसुले, तो यहाँ से कल मुझे होंडुरस के अंदर एंट्री करनी है। ये भाई इस कमरे के अंदर एसी है, लेकिन एसी के लिए मैंने मना कर दिया था, एसी चाहिए नहीं है, ठंडा है यहाँ पे अभी। ये छोटा सा पंखा है भाई, छोटा सा रहा है लेकिन मस्त हवा दे रहा है ये, लेकिन इसका है ना वो बंद नहीं हो रहा है यार, क्या बोलते हैं वो, ये चक्री काटना बंद नहीं कर रहा है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैंने खींच भी दिया वो बटन नहीं बाहर निकल गया, फिर मैं छोड़ भाई कोई बात नहीं। तो ये देखिए आप होंडुरस के अंदर है ना अभी बाढ़ भी आ रखी है, तो तीन चार चीज़ें एक साथ मिलने वाली है मेरे को, मेरी लाइफ की सबसे ख़तरनाक कंट्री होगी ये। ये देखिए चोलतेका मेरी सबसे पहली बड़ी सिटी वो होने वाली है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बस मिलेगी शायद मुझे, और यहाँ से लेके जो तेगुसियाल्पा है होंडुरस की कैपिटल तेगुसियागाल्पा, यहाँ के लिए मुझे अलग बस लेनी पड़ेगी। तो अगले 4 से 5 दिन मैं होंडुरस में रहूँगा, और आगे भाई क्या प्लान है मेरा आगे, ये देखो सैन पेद्रो सुला है ना, ये है तो अच्छी जगह है लेकिन ये तेगुसियाल्पा से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, तो मैं क्या करूँगा, ये सांता रोज़ा जाके सांता रोज़ा से फिर इस साइड में एल सल्वाडोर की तरफ एंट्री मार लूँगा यार। एक तो ये एंट्री है, एक ये बॉर्डर क्रॉसिंग है, और एक बॉर्डर क्रॉसिंग है, फिर मैं ऊपर जाके वापस नीचे आने वाली, तो यार इनमें यार मेरे को थोड़ा डर सा तो लग रहा है, मैं आपके सामने कुछ ऐसा झूठ वूठ नहीं बोलूँगा, डर है यार उधर सच में। एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि सीधा यहाँ से जाके सीधा इधर एल सल्वाडोर में एंट्री मार लूँ यहीं से नीचे, लेकिन यार हर एक कंट्री की कैपिटल में तो जाना ज़रूरी है, तो एक बार मैं तेगुसियाल्पा से ले जा रहा हूँ। तो यही है यार अभी कल की प्रिपरेशन हो रही है, बैग मैंने रख दिए हैं ऑलरेडी, और रात के अभी 8:30 हो गए हैं, डेढ़ घंटे में सो जाऊँगा मैं 10 बजे के आसपास, कल सुबह 6 बजे उठ के लगभग 7 बजे मैं और यहाँ होटल से निकलने का प्लान कर रहा हूँ, ताकि 8 बजे तक मैं बॉर्डर पर पहुँच जाऊँ, 1 घंटे में मेरी बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाए, और उसके बाद मेरे होंडुरस के अंदर जितना जल्दी हो सके मैं तेगुसियाल्पा पहुँच जाऊँ, मैं चाहता हूँ एक दिन में पहुँच जाऊँ, बेफालतू में रात का रिस्क मैं लेना नहीं चाहता, 1-2 दिन पहुँचने के बाद हो जाए ना तब कोई दिक्कत नहीं होती यार, पहले है ना फिर थोड़ा पंगा ही है। मैंने आज तक किसी कंट्री में ट्रैवल, देखो अफगानिस्तान और उधर गया हूँ, लेकिन वहाँ पे ना क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे कुछ अलग ही है, वहाँ का जो खतरा है ना वो यहाँ से अलग है, यहाँ पे जनता है ना यार आपको फन के लिए भी मार सकती है, वहाँ पे जनता एक्सटोर्शन कर लेगी, आपको किडनैप कर लेगी, आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी, यहाँ पे जनता चक देगी आपको, ये वाला सीन ना, वरना मैं आज ही क्रॉस कर जाता, आज से पहले मैं कोई ऐसी कंट्री भी नहीं गया हूँ, पैनामा वैनामा में इतना कोई सीन नहीं लगा, कोस्टारिका में थोड़ा बहुत एक जगह सीन हुआ था, वो चलता है उतना, निकारागुआ मेरे को कंपेरेटिवली काफ़ी सेफ कंट्री लगी, और आगे का देखते हैं भाई क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये है, आज मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, हाँ ये रही लियोन, लियोन से मैं गया हूँ उधर, और अभी हूँ मैं ये सोमोतिलो में, ये वाली जगह पर सोमोतिलो, और सोमोतिलो से मैं कल सुबह सुबह लिफ्ट लेके या फिर कुछ पकड़ के, ये मेरे को 3 से 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, फिर मैं बॉर्डर पे पहुंच जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यार। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।